वेलकम बैक वीवर्स, CCNA की ट्रेनिंग 200-125 जारी है। अभी फिलहाल बेसिक नेटवर्किंग पढ़ लें और आज का टॉपिक है वाईफाई, जो राउटर्स होते हैं उन्हें सेट करना है। क्यों? ताकि उस पर वाईफाई की सेटिंग हम अप्लाई कर सकें, पासवर्ड डाल के उसे इस्तेमाल कर सकें। तो ये स्टार्ट लेते हैं गाइस। सबसे पहले क्या करना है, जो राउटर्स हमारे पास हैं उन्हें हमने ले लेना है, जैसे स्क्रीन पर यहाँ रखा है, और इसका पैनल खोलना है। अब अगर मैं आपसे ये तमाम बातें करूँ कि हमें राउटर का पैनल खोलना है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम ये छोटी मोटी चीज़ें जान चुके हैं। आपको मालूम है कि गेटवे क्या है, स्टैटिक DHCP IP क्या होती है, और अब हम बात करने वाले वाईफाई के ऊपर। गाइस, वाईफाई क्या है? सिंपल है, वो इंटरनेट है जो कि बगैर तार के चलता है, बगैर वायर के चलता है, जिसे इसीलिए हम इसको वायरलेस कहते हैं, ठीक है ना। तो वायरलेस के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें वो राउटर कॉन्फिगर करना है, यानी उसे सेटिंग करनी है। कॉन्फिगर का मतलब सेटिंग करना, और ये आहिस्ता आहिस्ता ज़बान आपने सीखनी है। अब हमने क्या किया, जो इस पे इंटरनेट का वायर है, स्ट्रेट थ्रो केबल हम यूज़ करते हैं, राउटर की इंटरनेट पोर्ट यूज़ नहीं कर रहे अभी तक हम। क्यों नहीं कर रहे वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इथरनेट 1 से इसको कनेक्ट कर लिया हमने PC को, और इस PC को कनेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर लें, टाइम बचत होगी। कर लिया, और करने के बाद हमने क्या किया, PC पर आते हैं, सबसे पहले इसके DHCP पर आए, और अपने PC से इसको यहाँ से एक्सेस करते हैं। कहाँ पर? हम डेस्कटॉप पर आते हैं, और वेब ब्राउज़र गेटवे क्या था, 192.168.0.1 इंटर किया, एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये तमाम चीज़ें चेंज कहाँ से होती हैं ये भी जानेंगे। फिलहाल ओके किया, और यहाँ से ओके करने के बाद गाइस क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से देखिए आप, पहला ऑप्शन आता है ऊपर, वैसे तो काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, और गाइस ये अलग अलग राउटर में सेटिंग्स आगे पीछे होती हैं, लेकिन होती तकरीबन यही है। तो अगर आपको सिर्फ इस ट्रेनिंग में सिस्को का राउटर समझ आ रहा है, छोटा मिनी राउटर जो हम वायरलेस वाले कॉन्फिगर कर रहे हैं, और कल को आप TP-Link वगैरह आपके घर में हो, या D-Link हो, या एयरटेल वगैरह के हो, तो आपने घबराना नहीं, क्योंकि सेटिंग्स यही हैं, खुलेगा पैनल इसी तरीके से, लेकिन उनके बटन्स आगे पीछे होंगे, ठीक है ना। ऐसे हम वायरलेस सिक्योरिटी पर आए, गाइस आने के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, नेटवर्क नेम SSID। गाइस कभी भी आप अपने मोबाइल फोन्स में जो वाईफाई सर्च करते हैं, और जो या लैपटॉप में आपके पास जो वाईफाई का रिजल्ट आता है कि जनाब इतने इतने वाईफाई आपके करीब करीब चल रहे हैं, उनका जो नाम होता है इसे कहते हैं हम SSID, जिसको आसान लफ्जों में आप समझ सकते हैं कि वाईफाई का नाम होता है। यहाँ फर्ज करें हम नाम दे देते हैं IT वाले, ठीक है ना गाइज। और आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रेडियो बैंड होता है, ये तमाम बातें जानने वाली हैं, स्टैंडर्ड चैनल क्या होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इन सबको अभी आपने कुछ नहीं करना। आपने जस्ट क्या करना है, SSID का नाम देना है, और यहाँ से सेफ सेटिंग पे क्लिक कर देना है, सेटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं गाइज। अब एक बात बताएं, कभी आपका इत्तेफाक हुआ है एयरपोर्ट वगैरह जाने का? क्यों गाइज मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो वाईफाई वगैरह होते हैं वो मुफ्त होते हैं। कभी किसी अच्छे मॉल में आप अगर गए हो, तो आपने वहाँ देखा हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो, तो वहाँ आपने देखा हो कि वाईफाई जो होते हैं वो मुफ्त होते हैं। आप अपना मोबाइल खोलें, आपके पास उस होटल या उस रेस्टोरेंट का नाम आ रहा होगा, उस वाईफाई पर आप क्लिक करें, वो कनेक्ट हो जाता है। तो गाइज वो कैसे कनेक्ट हो जाता है? तो वो कनेक्ट हो जाता है ऐसे कि वो जस्ट उसका नाम देते हैं, और उस राउटर पर पासवर्ड नहीं देते। गाइस पासवर्ड देने के लिए कहां पर आएंगे आप, देखें वायरलेस सेटिंग आ रहा है, उसी के बराबर में छोटा सा लिखा है वायरलेस सिक्योरिटी। गाइस सिक्योरिटी मोड पे क्या करना है, आपने यहां क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपने सिलेक्ट कौन सा करना है, WPA2 पर्सनल या एंटरप्राइज, या सिर्फ वायरलेस पासवर्ड एक्सेस नंबर 2, प्रोटोकॉल नंबर 2, ये वाला। गाइस ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हमें यही क्यों सिलेक्ट करना है, गाइस उसकी वजह यह है कि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, और आराम से आसानी से हैक नहीं होता। और ये बातें हम अपने सिस्को के पहले मॉड्यूल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी प्रैक्टिकल कर लें, ताकि थ्योरी इसलिए नहीं आई फर्स्ट टाइम में कि अगर आप बोर हो गए तो मज़ा नहीं आएगा। तो बोर नहीं होइए, पहले इन चीज़ों को पहले बेसिक समझिए, फिर हम थ्योरी बेस से स्टार्ट करेंगे अपना मेन टारगेट कोर्स जो हमारा है। हमने WPA2 पर्सनल पे क्लिक किया, इंक्रिप्शन आ रहा है AES, ये तमाम बातें जहन में रखिएगा, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो ये बातें रिपीट करेंगे कि WPA2 और AES कहाँ हमने देखा था। यहाँ पर आ रहा है पासवर्ड आपका, आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड दिया, ठीक है ना। और गाइज इसे यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ये याद रहे, जो जो सेटिंग करेंगे आपने सेव करनी है, वरना वो सेटिंग सेव नहीं होंगे। हमने सेव पे क्लिक करा, ये भी सेव हो गई, यानी इस राउटर से हमने अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करा, और कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसके जो वाईफाई की सेटिंग है वो हमने कर ली, जिसका हमने SSID क्या दी गाइज, हमने इसकी SSID दी IT वाले, और इसका पासवर्ड क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। IT वाले इसका SSID हो गया, जबकि पासवर्ड इसका आपके सामने। अब करना ये कि अब हम इसमें लैपटॉप लेते हैं, लैपटॉप हमने रखा। अच्छा, इनमें जो लैपटॉप्स होते हैं गाइस, बाय डिफॉल्ट इनमें जो कार्ड्स हैं, अगर मैं इसको यहाँ से देखें, पावर का बटन इसे ऑफ किया, और जो इसका कार्ड है इसको निकाल के मैंने बाहर रखा, ये जो कार्ड है
और यहाँ से देखें एक मॉड्यूल है हमारे पास, ये अलग अलग कार्ड्स हैं, अलग अलग कंप्यूटर के डिवाइसेज हैं जो हम लैपटॉप में लगा सकते हैं। उसमें एक यहाँ सबसे टॉप पर रखा है WPC 309। WPC का मतलब वायरलेस पर्सनल कम्युनिकेशन, ये मॉड्यूल का नाम है जो कि ज़्यादातर सिस्को में लिंकसिस वगैरह की कंपनी है जिसके यूज होते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसे उठाया और कहाँ इस्तेमाल करा, यहाँ लगा के छोड़ा और पावर ऑन करा। गाइस इससे क्या हुआ, अब ये लैपटॉप हमारा वाईफाई हो गया। और ऐसे ही हम रियल दुकानों पे क्या करते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो लोग वाईफाई लगाना चाहें किसी लैपटॉप में जिसमें ना हो तो वो कार्ड लगा के इनेबल करते हैं और ऐसे हम कंप्यूटर में लगा सकते हैं। गाइस इसे क्लोज किया तो आप देखिए वाईफाई हमारा खुद ब खुद कनेक्ट हो गया इस वाले राउटर से। गाइस इस वाले राउटर से क्यों कनेक्ट हो गया, क्योंकि अभी हमने सेटिंग करी इस राउटर की, उस राउटर के ऊपर वाईफाई का कोई पासवर्ड नहीं था तो वो खुद से कनेक्ट हो गया। ये चीज़ हमें कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए हमने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया ये क्रॉस वाला बटन लेके। क्यों, क्योंकि हम अभी इसको जान रहे हैं जिसका SSID हमने IT वाले, जबकि पासवर्ड ये रखा। अब इस लैपटॉप पर हम यहाँ पर आए, गाइस डेस्कटॉप पर आ जाएं। जैसे हमारे वाईफाई की सेटिंग होती है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप्स में या मोबाइल्स में, ऐसे यहाँ पैकेट ट्रेसर पर इसके लिए एक अलग से बटन दिया हुआ है PC वायरलेस का। जहाँ क्लिक करें हम और कनेक्ट पर आए तो यहाँ देखें जितने भी वाईफाई हमारे करीब उस लैपटॉप के करीब करीब चल रहे होंगे वो यहाँ पर शो कराएगा। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पहला वाईफाई चल रहा है IT वाले के नाम से, जिस पर हम क्लिक करके अगर कनेक्ट करें तो हमसे पूछता है कि इसका पासवर्ड बताइए, और अगर हम पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप कर पाएंगे तभी तो कनेक्ट होगा। हमने कनेक्ट किया, जैसे कनेक्ट करते हैं IT वाले SSID के साथ वो कनेक्ट हो गया। अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ भी बता रहे हैं, लैपटॉप फासले पर रखा है तो 47% हमारे पास वाईफाई सिग्नल आ रहे हैं। इसको हमने क्लोज किया करने के बाद ये लैपटॉप, गाइस अगर हम इस कंप्यूटर पर आएँ और यहाँ IP कॉन्फ़िगरेशन पर देखें तो इसकी आखिर की IP क्या है, 103। शुरू का तो आपको याद ही हो गया होगा अब तक, ये 103 वाला PC। और अगर इस लैपटॉप पर आएँ और यहाँ से इसकी DHCP देखें तो ये 101 हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि पहला वो डिवाइस कनेक्ट थी तो उसकी IP बाद में आई है इसकी। अब ये देखें कि नेटवर्क वही है, अब ये चाहे तो ये कंप्यूटर या ये जो लैपटॉप है ना, ये तार से कनेक्ट नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट है, लेकिन ये दोनों अब आपस में डेटा भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। चलिए जी ये वाला काम हम कंप्यूटर में कर लेते हैं। जो कंप्यूटर हमारा वो आया और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट, अच्छा कनेक्ट तो हमने वाईफाई से करना है, तार से तो करना नहीं है, तो ये हम रहने देते हैं। इस कंप्यूटर पर आए और आने के बाद इसका पावर ऑफ करते हैं, नीचे आए यहाँ से निकाल दिए से इस कार्ड को निकाला और कौन सा ये वाला, ठीक है ना, और पावर ऑन किया। डेस्कटॉप पर आते हैं, PC वायरलेस पे आए और यहाँ पे भी कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी सुलन क्या होगा। गाइस आपके घरों में क्या होता है, जो भी मोबाइल फोन्स हैं, अब जितने मोबाइल फोन होंगे उस सब पे जा के आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे, तो आपने कनेक्ट करना है और यहाँ पासवर्ड बता दिया उस वाईफाई का, ठीक है ना। कनेक्ट करा, ये वाली डिवाइस भी कनेक्ट हो गई, जिसकी अगर हम IP चेक करें तो आप देखें ये रही IP इसकी क्या आ गई, 102 आ गई। इट्स मीन के सारे एक ही उसमें नेटवर्क पे चल रहे हैं और हमें पता चल गया कि वाईफाई की सेटिंग कैसे हो रही है, कैसे हो रही है। हम डायरेक्ट राउटर का जो पैनल होता है वो खोलते हैं, वायरलेस सिक्योरिटी पर आते हैं, यहाँ उसको जैसे हमने IT वाले बताया, वायरलेस सिक्योरिटी पर आए और उसको सिक्योरिटी बता दी, ठीक है ना। अब आ जाएगा जो हमारे रियल कंप्यूटर्स, यहाँ जो हमारे रियल कंप्यूटर हमारे पास कनेक्टेड है, हमारे पास गाइस इस लैब में इस वक्त TP-Link के राउटर्स मौजूद हैं, TP-Link के राउटर लगे हुए। और अगर हम गेटवे देखें, अब मैं रियल बताने वाला हूँ क्योंकि पैकेट ट्रेसर पे आपको आइडिया हो गया, 192.168.0.1 हमारा गेटवे, हमारा जो इंटरनेट ब्राउजर है गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया। हमने यहाँ आके क्या लिखा गाइस, IP लिखी और जो यूजर नेम पासवर्ड आया आपने वो यूजर नेम पासवर्ड दिया। इंटर करते हैं, आप देखें मेरा जो TP-Link का यहाँ पर गाइस हमारी लैब में रखा है उसका पैनल खुल गया और देखें वही तमाम चीज़ें, देखें DHCP चल रहा है, उसकी IP बता रहे हैं। और अगर यहाँ से हम वायरलेस में आए, वायरलेस का नाम है जो हमारे इदारे का नाम है, जो कोचिंग है, जो SSID है, जो भी नाम आप देना चाहें वो यहाँ आ गया। वायरलेस सिक्योरिटी पर आ जाएं तो जो भी सिक्योरिटी आपने दी हुई है, देखें यहाँ जो पासवर्ड है, अब मैं पासवर्ड शो नहीं करा रहा क्योंकि पर्सनल, जाहिर सी बात है एक चीज़ है, एक प्राइवेट होती है, लेकिन आपको देखें यहाँ ये पता है कि पर्सनली हमने WPA2 सेलेक्ट किया हुआ है और वो जो पासवर्ड है वो हम यहाँ टाइप करके इसे हम नीचे सेव कर सकते हैं। तो यानी आप देखें जो चीज़ें अभी हमने पैकेट ट्रेसर में डिस्कस की वो रियल में भी बिल्कुल सेम एज इट इज ही हैं। तो ये जो बेसिक छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट है गाइज, ये आपको मालूम होने चाहिए इस मॉड्यूल्स एंड CCNA को स्टार्ट करने के लिए। तो आई होप गाइज आपको SSID एंड WPA2 पासवर्ड सेट करना आ गया हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इनके जो ये पोर्ट्स होती हैं इंटरनेट और यानी जो वैन वाली पोर्ट है, अगर हम यहाँ क्लिक करें राउटर पे, ये पोर्ट कब इस्तेमाल की जाती है ये वाला टॉपिक, और साथ साथ ये टॉपिक के जो इन राउटर्स के ऊपर ही जब हम एडमिन और एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड से खोलते हैं, इनको अगर अपने पासवर्ड से सेव करना हो तो क्या करें। तो गाइस कहीं ना जाइए, मिलते हैं फिर उस वीडियो पर और फिर स्टार्ट करते हैं अपने CCNA की सही मायनों में ट्रेनिंग।